नमस्कार, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वेजिटेबल सूजी हांडवो की रेसिपी। अगेन ये बच्चों को बहुत पसंद आती है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बॉल में लिया है मैंने सूजी, 1.5 कप सूजी, उसमें डाला है मैंने 1/2 कप दही, आप दही 3/4 कप भी ले सकते हैं। फिर मैंने ऐड कर दिया है 1 कप जितना पानी, पानी थोड़ा 1 कप से ज़्यादा लग सकता है। अच्छा, इसे आप अच्छे से मिक्स करें, मेक श्योर कि कोई लम्ब्स ना रहे, और ऐसे मिक्स करने के बाद हम इसे 30 मिनट्स के लिए ऐसे ही रख देंगे रेस्ट होने के लिए। तब तक काट लेते हैं अपनी सब्जियां, और ये देखिए सब्जियों का कटा कटा प्लेटर है ना, कितना आसान लगता है खाना बनाने का सब्जी ऐसे कटी मिले। ये सब्जियां मैंने ही काटी हैं। अच्छा, सब्जी आप अपनी चॉइस की डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने लिया है बीन्स, कैप्सिकम, बीट रूट, स्वीट कॉर्न। अच्छा, अब मैं डाल रही हूँ नमक, मिक्स्ड हर्ब्स एंड चिली फ्लेक्स। अच्छा, मिक्स्ड हर्ब्स और चिली फ्लेक्स आप ऐड करें अगर आपको बच्चों को खिलाना है, क्योंकि वो बहुत पसंद से खाते हैं। इस टेस्ट के साथ उन्हें वो ना पिज़्ज़ा वाला फीलिंग आता है, इसी यही एक वजह है जिससे मैं ये उत्तपम अक्सर बनाती हूँ। अच्छा, इसे मैं उत्तपम बोल दिया, लेकिन एक्चुअली में हांडवो है, थोड़ी टेक्निक अलग होती है, हांडवो और उत्तपम की कुकिंग टेक्निक अलग होती है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे डाला इनो, इनो से ये हांडवो जो है ना सॉफ्ट बनेगी। इनो डालने के बाद मैंने थोड़ा पानी ऐड किया है जिससे इनो थोड़ा एक्टिवेट हो जाए। अच्छा, इनो डालने के बाद आप बैटर को बिल्कुल रखे नहीं, इसको आप इंस्टेंटली यूज़ करें और बनाएं। अब हमने लिया है नॉन स्टिक कढ़ाई, उसमें मैंने ऑयल से ग्रीस कर दिया है, थोड़ा ऑयल से एक छोटा चम्मच तेल लेकर उसमें मैंने डाला है वाइट सेसमी सीड्स, फिर मैं डाल रही हूँ यहाँ मस्टर्ड सीड्स और थोड़े से करी पत्ते। अच्छा, करी पत्ते जो कि बच्चों को खाना है तो पसंद नहीं करेंगे, इसलिए मैंने थोड़ा सा ही डाला है। और अब इसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच अपने बैटर, बैटर को थोड़ा हल्का सा प्रेस करें, बहुत ज़्यादा ना पतला ना करें। इसके बाद मैं ऊपर से डाल रही हूँ इसमें कटे हुए प्याज और टमाटर। प्याज और टमाटर मैंने ऊपर से इसलिए डाला है क्योंकि वो तेल में जब पकते हैं ना तो उनका क्रंच अच्छा आता है। अब इसे ढककर हम 3 से 4 मिनट लगेंगे इसे पकने में, और आप साइड में थोड़ा सा ऑयल फिर से डाल दें, ऊपर से ड्रिजल कर दें, जिससे ये थोड़ा सा क्रिस्पी बनेंगे। और इसे मैंने कर दिया टर्न, 1-2 मिनट और लगेंगे इसे पकने में और ये हो जाएगा तैयार। ये देखिए ये बन के हो गया है तैयार। अच्छा, ये मम्मियों का भी फेवरेट होता है, पता है क्यों? ये ना बच्चे ना बड़ी आसानी से ना सब्जियां खा लेते हैं इसी बहाने, तो हम भी बड़ा रिलैक्स फील करते हैं। और चलिए इसे अब थोड़ा सा ना सर्व करने की तैयारी करते हैं। इसे मैं ऐसे कट कर रही हूँ जिस तरह से पिज़्ज़ा कट होता है, ताकि वो बहुत ईजीली हो ना, उन्हें देखने में अट्रैक्टिव लगता है ना, तो वो बिना फंस के खा लेते हैं। ये देखिए मैं इसे, एक्चुअली में गर्म है, फिर मैं हैंडल करके आपको दिखा रही हूँ कि इसका टेक्सचर देखिए कितना अच्छा है। अच्छा, ये मेरा ये ब्रेकफास्ट का प्लेट मैंने अपना कर लिया है तैयार। अच्छा, ये देखिए तो हमारा ये वेजिटेबल सूजी हांडवो तैयार हो गया है। अब अच्छा, मैं बताया था ये मम्मियों का फेवरेट है, ये मम्मी का फेवरेट देखिए क्यों है, क्योंकि देखिए बच्चे ना बड़े आराम से ये सब खा लेते हैं, और सच में बहुत अच्छा लगता है कि चलो कुछ आसान सा नाश्ता हमने बनाया और बच्चों ने खा लिया। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि कैसी बनी है।